उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में दर्ज 13 करोड़ से ज्यादा रुपए के गबन मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि फर्जी साइन और मुहर के जरिए खाते से ये पैसे निकाले गए थे। इस मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर और कैशियर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस 7.5 करोड़ रुपए फीस भी कर चुकी है। उधम सिंह नगर SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि आरोपियों ने कलर पेपर पर प्रिंट करके 3 चेक बनाकर और SLO के फर्जी हस्ताक्षर कर SLO के सरकारी खाते से करोड़ों का गबन किया था। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को विशेष अध्यापित अधिकारी कोस्तभु मिश्रा ने ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि काला और NHAI 74 के संयुक्त बैंक खाते से करीब 13 करोड़ 51 लाख रुपए अज्ञात व्यक्तियों ने निकाल लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू की। पुलिस ने एक तरफ जहां बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ की, साथ ही CCTV फुटेज को भी खंगालना शुरू किया। CCTV वीडियो में 28, 31 अगस्त और 2 सितंबर को चेक लेकर 3 अलग अलग व्यक्तियों के बैंक में आने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि सरकारी चेक लेकर आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले रिसीविंग प्राप्ति दी जाती है। इसके अलावा बैंक से निश्चित धनराशि से अधिक के चेक के लिए खाता धारक की पॉजिटिव कंफर्मेशन भी ली जाती है। पुलिस ने जांच के बाद बैंक मैनेजर देवेंद्र सिंह, कैशियर प्रियम सिंह को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए हमारा आवास विकास चौकी इंचार्ज, SOG प्रभारी, SO ट्रांजिट कैंप और सारे पुलिस टीम्स जिनका नेतृत्व तो हमारा निहारिका तोमर और चंद्रशेखर गोड़के और मनोज कत्याल कर रहे हैं, ये टीम द्वारा लगातार 48 घंटे सघन मेहनत करने के बाद कुल मिलाकर इस अपराध का उजागर करते हुए अभी मोर देन 55% धनराशि 7.5 करोड़ को हमने फ्रीज करा दिया है और उसको वापस लौटाने का प्रक्रिया चालू है। और अभी तक हमने 2 अभियुक्त जो यहाँ पर बैंक मैनेजर के रूप में काम करके, सहायक बैंक मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे और उनके द्वारा सक्रिय रूप से अपराध को कारित करते हुए दूसरे लोगों की मिलीभगत से फर्जी चेक, जाली कागज, जाली जो है क्या बोलते हैं कंपनसेशन का आदेश और जाली जो है डिस्पर्शन लेटर और कौस्तुभ मिश्रा SDM का जाली साइन, जाली पत्रांक तैयार करते हुए उन पत्रांक और जाली डिस्पर्शन ऑर्डर के माध्यम से, जाली चेक के माध्यम से 13.5 करोड़ का जो धनराशि गबन किया है उस संबंध में विभिन्न दस्तावेजों को हमने एकत्र कर दिया है और इस अपराध में संलिप्त जो बैंक मैनेजर और सहायक बैंक मैनेजर को हमने आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और जो जिन लोगों द्वारा ये बैंक में प्रेषित किया गया है उन लोगों का भी चिन्हीकरण की कार्रवाई लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है। शीघ्र ही हम उनको भी पकड़ दकड़ और अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे।